दुनिया में सबसे पहले बुखार किस जानवर को आया? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए कुत्ते को, बी बकरी को, सी शेर को, डी गाय को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है सी शेर को। यहूदी अल्लाह का बेटा किस नबी को मानते हैं? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को, बी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, डी हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को, डी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है सी हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को। मस्जिदों का शहर किसे कहते हैं? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए हैदराबाद, बी मदीना, सी ढाका, डी दिल्ली। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है सी ढाका। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की रूह कौन कब्ज करेगा? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, बी अल्लाह, सी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, डी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है बी अल्लाह। कौन सी चीज काफिर और मुसलमान में फर्क करती है? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए लिबास, बी दौलत, सी नमाज, डी तिजारत। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है सी नमाज। क्या कोई जिन्नात से शादी कर सकता है? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए नहीं, बी हाँ, सी जिन्नात पढ़ना पड़ेगा, डी मालूम नहीं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है ए नहीं, कोई भी जिन्नात से शादी नहीं कर सकता। अचानक मौत कितने नबियों को हुई? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए 11, बी 3, सी 4, डी 2। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है बी 3। अचानक मौत सिर्फ 3 नबियों को हुई। नंबर 1 हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये वो 3 नबी थे जिनको अचानक मौत हुई थी। हम बिस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह कहना कैसा है? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए गुनाह है, बी वाजिब है, सी फर्ज है, डी सुन्नत है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कबीर जी, सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है डी सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ी थी? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए इशा की नमाज, बी जोहर की नमाज, सी मगरिब की नमाज, डी फजर की नमाज। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी, सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है सी मगरिब की नमाज। शादी से पहले होने वाली बीबी से बात करना कैसा है? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए जायज है, बी नाजायज है, सी हराम है, डी गुना है। और आपका वक्त शुरू होता है अब।
कंप्यूटर जी सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है बी, नाजायज है। बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी आती है? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए सिर दर्द, बी पेट की बीमारी, सी सांस की बीमारी, डी कोई बीमारी नहीं होती। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है डी, कोई भी बीमारी नहीं होती है। इमाम मेहंदी कितनी उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए 50 साल, बी 35 साल, सी 40 साल, डी 100 साल। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कबीर जी सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है सी 40 साल। अपनी बीबी की शर्मगाह चूमना कैसा है? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए मकरूह है, बी गुनाह है, सी नाजायज है, डी हराम है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कपिड़ जी सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है सी नाजायज है। खाला की बेटी से निकाह करना कैसा है? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए गुनाह है, बी हराम है, सी जायज है, डी निकाह नहीं होगा। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी सही जवाब बताया जाए। सही जवाब है सी जायज है। और अब आपके कमेंट करने का वक्त आ चुका है। देखते हैं कितने भाई बहन इस सवाल का सही जवाब कमेंट में देते हैं। एक साल में कितनी ईदें होती हैं? और आपके ऑप्शन ये रहे, ए एक, बी चार, सी तीन, डी दो। और आपको इस सवाल का जवाब कमेंट करना है। देखते हैं कितने भाई बहन जानते हैं कि एक साल में कितनी ईदें होती हैं। तो आप अपना कमेंट में जवाब जरूर देके जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे इस्लाम की नॉलेज को हासिल कर सकें, इस्लाम की बातों को जान सकें, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके दूसरे भाई बहन भी इस वीडियो पर आ सकते हैं। तो वीडियो लाइक जरूर करें। हमने आपके सामने दो वीडियो लगाई, इन दोनों वीडियो को प्ले कर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। और आपके सामने जो ऊपर राउंड राउंड में वजीफा पावर लिख कर आ रहा है, इस पर एक बार क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।